फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे वेज कटलेट, वो भी बची हुई राइस से। जो राइस हम बनाते हैं ना खाने के लिए, अगर बच जाए तो आप उसे फेंके नहीं। मैं आपको बताऊंगी उससे कैसे हेल्दी और टेस्टी कटलेट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज कटलेट बनाने के लिए मैंने ये राइस लिया है, वन बोल है ये जो बच गया था। इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें वाटर एकदम ऐड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बहुत स्मूथ आपको नहीं दिखेगा, बट इसी कारण ये टेस्टी बनेगा और क्रंची बनेगा। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी है। मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड कैप्सिकम, रेड वाली साग, ग्रीन चिलीज एंड ग्रेटेड जिंजर। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी साग ली है, ये वाली रेड वाली जो आती है ना, ये वाली साग। इन सारी सब्जियों को चावल जो ब्लेंड करके हमने रखा है उसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, या बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं मैश करके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का टेस्ट पसंद है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश बॉइल्ड कॉर्न, इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता अगर आपको कॉर्न पसंद है तो। एंड कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट स्वाद के अनुसार। इसको हम मिक्स कर लेंगे एंड यहाँ हमने लिया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बाइंडिंग का काम अच्छे से करेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही इजी रेसिपी आपको मिलते रहेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से हैंड से मिक्स करेंगे, क्योंकि स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब हम एक प्लेट लेंगे एंड इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। प्लेट में चारों तरफ हम हाथों से ऑयल लगा लेंगे। अब हैंड पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अपने पसंद का कटलेट हम रेडी करेंगे। आप जिस शेप या साइज का चाहते हो इस तरह से कटलेट आप रेडी कर लें। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि मैं जैसा बना रही हूँ वैसा ही आपको बनाना है। आप अपने पसंद का शेप और साइज दे सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया। इसी तरह से हम सारे कटलेट को रेडी करेंगे। इसे बनाना बताओ कितना आसान है। और आपकी बची हुई चावल जो है वो भी यूज हो जा रहा है। वैसे भी अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान बहुत मेहनत से इसे उगाते हैं। सो अन्न का रिस्पेक्ट करें। पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें 3-4 टेबल स्पून ऑयल दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ मैंने बासमती राइस को ग्राइंड करके रखा है। ये देखिए, ये सूजी की तरह इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, जैसे सूजी होता है ना उतना, मतलब उस टाइप का ये है। अब सारे कटलेट को हम इससे कोट कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इस बासमती राइस से कोटिंग करने का एक ही मेरा कारण था कि ये बहुत क्रिस्पी होता है और बहुत सारे स्टेप से हम बच जाते हैं। साथ ही ये तलने के बाद भी वाइट वाइट टाइप का ऊपर से दिखता है एंड क्रंची होता है, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता। आई होप आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। ये सारे कटलेट रेडी हो गए। अब पैन भी गर्म हो चुका है, गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। एक करके कटलेट को हम इसमें डालेंगे।
पूरा भर के ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वैसा नहीं है जो नहीं पके। ये ऐसे ही पक जाएगा, क्योंकि इसमें केवल सब्जियां हैं एंड चावल पका हुआ ही है एंड मसाले जो हैं, तो इतना काफ़ी है। इससे कम ऑयल भी डाल के आप पका सकते हो उलट पलट के, क्योंकि एक साथ ज़्यादा ऑयल डाल के हम तल तो लेते हैं, फिर उस ऑयल में अगर हम दूसरा कुछ बनाते भी हैं तो हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए अगर आप तलने का काम करो और जहाँ संभव हो तो कम ऑयल में तले, ताकि हम रीयूज नहीं करें तले हुए तेल का, वो हेल्थ के लिए एकदम अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कम ऑयल में ही इसे तलें। इसे 2 से 3 मिनट एक साइड से हम पका लिए। ये देखिए ये क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। सारे को हम पलट लिए एंड दूसरे साइड से भी हम 2 से 2.5 मिनट पकने देंगे। 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेंगे। ये हो गए हैं। अब इसको हम इस तरह से करके साइड साइड से भी पका लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा उलट पलट के पका लें, बट ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं करें। ये पक चुका है। अब एक एक करके हम कटलेट को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, जो मैंने बोला था कि राइस जो है फ्राई होने के बाद भी वाइट वाइट दिखता, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता। देखने में ये वाइट दिखेगा बट ये क्रंची होगा। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। आपका क्रंची एंड टेस्टी कटलेट रेडी है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।